नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल सिटी वैब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा, सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर। देवबंद के इंजीनियरिंग छात्र ने बनाई अनोखी मिनी जीप, डीजल पेट्रोल के बिना चलेगी 200 किलोमीटर, 2.5 साल में बनकर हुई तैयार। देवबंद के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और उसके परिवार ने मिलकर एक ऐसी मिनी जीप बनाई है जो न केवल बिजली से चलेगी बल्कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से भी राहत दिलाएगी। इस जीप को पहली बार नगर में घुमाया गया और ये जीप पूरे नगर में चर्चा का केंद्र बन गई है। चोरी की योजना बनाते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास रोड स्थित कब्रिस्तान से 3 अभियुक्तों को चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस, 2 चाकू, लोहे का गुदाला बरामद किया। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम सलमान पुत्र याकूब निवासी सलेमपुर, असलम पुत्र नूर हसन निवासी नई बस्ती, मुरसलीन पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला महल थाना रामपुर मनिहारन बताया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। श्री शनिदेव मंदिर वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मोहल्ला कैस्तान स्थित मंदिर श्री डिप्टन वाला में भगवान शनिदेव का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 3 दिन तक चले धार्मिक कार्यक्रमों के बाद भगवान श्री शनिदेव के रथ ने भव्य झांकियों व बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण किया। मंदिर से आरंभ भगवान श्री शनिदेव का रथ विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पर पहुंचा। बता दें कि भगवान श्री शनिदेव रथ यात्रा में शामिल सुंदर झांकियों ने मनमोहक छटा बिखेरी रखी। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में बैंड बाजों ने अपनी धुनों से वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सोमवार को हवन यज्ञ के तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कोरोना काल में माता पिता को खोने वाले 6 बच्चों के खाते में डाले गए 10-10 लाख रुपए। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले जिले के 6 बच्चों के खाते में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 10-10 लाख रुपए उनके खाते में भेजे गए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, डीएम अखिलेश सिंह ने बच्चों को पासबुक सौंपी। वर्चुअल संवाद को कलेक्ट्रेट स्थित NIC में लाइव दिखाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल से अनेकों लोगों के जीवन में जो बदलाव आया वह काफ़ी मुश्किल है। हर दिन संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना इन बच्चों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित NIC में लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने क्या कहा, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पीएम केयर चिल्ड्रन प्लान का शुभारंभ देश भर में किया गया है। यह एक अति संवेदनशील मुद्दे से जुड़ी हुई योजना का शुभारंभ है। कोरोना महामारी के अंदर जिन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों अभिभावकों को खो दिया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है सरकार उनका संरक्षण करेगी। और आज उसी अपने वादे को पूरा करते हुए, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में 8 वर्ष केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं, और ऐसी संवेदनशील योजना का ऐसे शुभ दिन लागू होना उन बच्चों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। और इस योजना के तहत आज उन बच्चों को हम लोग सरकार की तरफ से उनका एक बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा रहे हैं और 10 लाख रुपए की धनराशि उसमें स्थानांतरित की जा रही है। इसके अलावा एक 20,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति और 4,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति उनको हम देते हैं। और इस 10 लाख रुपए की राशि पे जो एक इंटरेस्ट
आएगा उससे एक निश्चित स्टाइफंड भी इन बच्चों को खाते में जाएगा, जिससे वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या की चीज़ें हैं उन पर वो खर्च कर सकें। और इन बच्चों के जो संरक्षक हैं प्रत्येक ज़िले के अंदर हमारे सम्मानित जिलाधिकारी होंगे, वो बच्चे भारत के का भविष्य हैं और भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपने अभिभावकों को खोने के बाद महसूस ना हो, इसी संवेदनशीलता को दर्शाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज इस योजना का शुभारंभ किया है। मैं अपनी ओर से इन बच्चों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 6 वर्ष बाद भी नहीं लगे गली में बिजली के खंभे, अंधेरे में जीने को मजबूर है लोग। मोहल्ला गार्डन की एक गली में 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, जिस कारण गली के करीब 300 से ज्यादा लोग अंधेरे में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। शनिवार को कस्बे के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल कादिर चेयरमैन प्रत्याशी के नेतृत्व में मोहल्ले के अनेक लोगों के साथ मिलकर SDO अंकित त्यागी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गली में जल्द से जल्द बिजली के खंभे लगाकर आपूर्ति सुचारू करने की सभी लोगों ने मांग की। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से आरिफ अहमद, सभासद प्रत्याशी RC लुकमान, मोहम्मद अली व अन्य लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10 घंटे में बरामद हुए किशोर। रविवार की सुबह मोहल्ला टाकान निवासी 13 से 14 वर्ष के 3 किशोर अपने घर से खेलने के लिए निकले थे। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब बच्चे घर वापस नहीं लौटे तो अपहरण की आशंका के चलते परिजन उनकी तलाश में लग गए। उन्होंने अन्य बच्चों व संभावित रिश्तेदारों मित्रों के यहाँ तलाशा, मगर कोई भी सुराग नहीं मिलने पर वो परेशान हो गए और पुलिस का दरवाजा खटखटाया। उनसे बच्चों की तलाश करने की गुहार लगाई गई। पुलिस ने चारों तरफ टीम दौड़ाई तो SI सुबोध कुमार व वर्षा तोमर की टीम किशोरों को बरामद करने में कामयाब रही। बता दें कि इस दौरान सलीम, हाफिज, कुर्बान, दानिश मौजूद रहे। सोमवती अमावस्या के अवसर पर संगम में लगाई आस्था की डुबकी। सोमवती व वट अमावस्या के अवसर पर जिले के नानोटा इलाके में कुआखेड़ा स्थित गंगा यमुना संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ को संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे सांसद प्रदीप चौधरी के समक्ष ग्रामीणों ने संगम स्थल पर महिलाओं के कपड़े बदलने के स्थान सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। सहारनपुर टैक्स बार एसोसिएशन की सामान्य विधिक सभा में आयकर रिटर्न सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक की गई चर्चा। कोर्ट रोड स्थित आयकर भवन में सहारनपुर टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यालय पर आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता अध्यक्ष राजीव खुराना ने कहा कि आयकर रिटर्न एक साथ 3 दाखिल की जा सकती हैं, जो कि वर्ष 2016 से सरकार द्वारा बंद कर दी गई। उन्होंने बताया कि विभाग के पोर्टल पर शीघ्र ही सरकार द्वारा व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 3 साल से अधिक वर्षों के बाद नहीं खोले जा सकेंगे जब तक कर अपवंचन 50 लाख से अधिक ना हो। वहीं इस दौरान कर अधिवक्ता विकास शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। जी, आपका नाम? विकास शर्मा। आज किस चीज को लेकर मीटिंग है? आज हमारे विभिन्न जो इनकम टैक्स में चेंजेज हैं, GST में चेंजेज हैं, इसके लिए हमारे लीगल सेल की हर महीने में मीटिंग होती है, उसमें जो चेंजेज आते हैं वो सभी से शेयर किए जाते हैं। तो आज इनकम टैक्स से रिलेटेड जैसे कि IKR भी हमारे जो चेंजेज आए हैं, नया फॉर्म आया है, उसके उसमें विस्तृत से जानकारी दी गई है और GST से रिलेटेड है वो। नानोता के शिक्षक ने हिमाचल में जीते 2 गोल्ड मेडल। हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक बैडमिंटन प्रतियोगिता में नानोता ब्लॉक के शिक्षक ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र, जिले से लेकर प्रदेश का नाम रोशन किया। बता दें कि नानोता ब्लॉक के गांव जोगीपुरा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक संदीप चौधरी UPS ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 24 से 27 मई तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षक बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 अलग अलग गोल्ड मेडल जीतकर सहारनपुर जिले से लेकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर क्षेत्र के अध्यापक गणों, प्राथमिक शिक्षक संघ ननोता के ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कुमार राणा, ब्रिजेश पुंडी, श्यामवीर सिंह भनेड़ा, वरुण पुंडी, जूनियर शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण चौधरी व शक्ति सिंह शेखर चौधरी द्वारा
हर्ष जताया गया। जनपद से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैप को।